हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वो पोरिनो 11 5G फ़ोन है, तो पोरिनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, फ़ोन का DPI आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने ओप्पो रिनो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि DPI को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन का DPI आप कैसे बढ़ा सकते हैं ओप्पो रिनो 11 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जाकर अपने फ़ोन में DPI को आप इंक्रीज कर सकते हैं और DPI को बढ़ा सकते हैं। सिंपली आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन पे जाकर वर्जन पे चले जाना है। व्हील नंबर्स को 3 से ज़्यादा टैप कर देना है, जिससे डेवलपर ऑप्शन से आपके फ़ोन में ऑन हो जाएगा, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में DPI को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिससे DPI आप इंक्रीज़ कर पाएंगे। बिल्ड नंबर्स पे क्लिक करना है, पैक करना है, एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है डेवलपर ऑप्शंस पे जाकर DPI को इंक्रीज़ कर सकते हैं और DPI भी बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ से स्मॉलेस्ट विथ ऑप्शंस आपको मिल जाएगा देखने को, देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्लाइड करना है और यहाँ पर ये यह ऑप्शन आ जाएगा, जिसके जरिए DPI को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम 600 कर देंगे तो DPI आपका 600 हो जाएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मॉलेस्ट हो गया और उस तरीके से शो हो रहा है। और आप चाहें तो DPI को नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो।